कंटालिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, 72 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है, दूसरी जो सूची है बीजेपी की सामने आई है, आपसे जानना चाहेंगे पूरी सूची और इनमें कौन कौन से सबसे पहले वो बड़े नाम जिनको लेकर आज संभावनाएं लगातार की जा रही थी, अटकलें लगातार जा रही थी। देखिए, इसमें अगर बात करें, बिल्कुल अंकुर, अगर देखें कि 11 राज्यों में, अगर दादर नगर हवेली मतलब के यूटी सहित अगर 11 राज्यों में 72 सीटों पर ऐलान किया, और नितिन गडकरी को अगर बात करें, नितिन गडकरी का जो है टिकट इसमें किया गया है नागपुर से, रामदास चंद्राजी तौस का है वर्धा से। इसके साथ ही अगर बात करें पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से जो है पीयूष गोयल का टिकट हुआ है, और जो कि एक बार कहें फिर से पंकजा मुंडे जो है उसको, उनको बीड से जो है बीजेपी ने फिर से उतारा है एक तरीके से। इसके साथ ही रणजीत सिन्हा जो कि से हैं, अगर बड़े नामों में कहें तो सूर्या जो है, सूर्या को भी जो फिर से जो उसी जगह पे टिकट दिया गया है सूर्या को। इसके साथ ही डॉक्टर अगर बात करें तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु साउथ से उतारा गया है, और इसके साथ ही अगर बात करें कैप्टन ब्रिजेश छोटा जो है एक तरह से अब जो उभरता नया नाम है दक्षिण कन्नड़ में उनको दिया गया है। इसके साथ ही अगर देखो बड़े नाम में अगर बात कहा जाए तो अगर इसमें अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश में फिर से उतारा है उनको, सुरेश कुमार कश्यप को से जो कि ऐसी की जो रिजर्व सीट है उससे उनको उतारा गया है, अंबाला से इस बार बंतो कटारिया को दिया गया, अशोक तंवर को देखो सिरसा से फिर एक बार उनको दिया, मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उतारा गया, यानी जो कल तक सीएम थे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, आज उन्हें करनाल से टिकट दे दिया गया है। धर्मवीर सिंह को भिवानी से, और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव, ये कुछ बड़े नाम है अगर कहे जाए तो। इसमें इस जो पहली सेकंड लिस्ट जो है इसमें कुछ बड़े जो नाम है उसमें यही है, और साथ ही अगर बात करें देखिए दादर है नगर हवेली की एक सीट है और उस पर जो है कलाबेन देलकर को इसमें टिकट दिया गया। पूर्वी दिल्ली, देखिए दिल्ली से दो सीटें इन्होंने घोषित की हैं दूसरी सूची में, पूर्वी दिल्ली की हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया। तो बड़े नामों में अगर बात करें तो सूर्या हो गया, इसके जो कह सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह राव हैं, गडकरी हैं, इसके साथ ही पीयूष गोयल है, इसमें मनोहर लाल खट्टर है, कुछ करीब आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नाम इसमें शामिल है अगर बात करें तो। तो देखिए इस बार बालाघाट से जो है भारती पार्थी को दिया गया है टिकट, इस बार इसमें बदला गया है टिकट। कुल अगर बात की जाए महिलाएं तो कुछ 18 जो महिलाएं हैं उनके नाम सामने आए हैं इस 72 की सूची में। जी बिल्कुल जी अंकुर। निजाम, देखिए महिलाओं को शामिल किया गया है, 72 में से 18 महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हुई है। इसके अलावा अगर सूची को देखते हैं जातिगत अगर समीकरण को देखें तो जातिगत समीकरण जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अपनाए गए हैं, और साथ ही महिलाओं की अगर बात करते तो परसेंटेज में कितनी महिलाओं को इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। बिल्कुल, देखिए कि अगर बात की जाए इसमें सबसे पहले हम आते हैं इसमें कि अगर जो युवा है, युवाओं की करीब 17 जो ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 50 साल के नीचे हैं, यानी 17 उम्मीदवार जो हैं उनके 50 साल से नीचे हैं, 18 महिला उम्मीदवार हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें देखिए इस दूसरी सूची में बड़े नामों की बात जो लगातार कहा जा रहा था नितिन गडकरी के पे ऊपर, जिस तरीके से शिवसेना की ओर से लगातार आज भी जो सुबह बयान आया था कि वो हमारे यहाँ से आके टिकट चुनाव लड़े तो हम तैयार हैं, तो लेकिन इसके बावजूद देखिए आज बीजेपी ने जो बड़े नाम है उसमें मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी और सूर्या, इन तीनों को टिकट दिया गया है। इसके साथ पीयूष गोयल को इसमें टिकट दिया गया है। फिलहाल देखिए अंकुर, हम जुटा रहे हैं कि इसमें किस किस को कितना क्या, SC ST को और OBC को कितना क्या दिया है, उनको हम आंकड़ा जुटा रहे हैं ताकि हम दर्शकों तक पहुंचा सके। लेकिन ये 72 सीट की, पहले माना जा रहा था कि 100 सीट की इसमें शामिल होगी, राजस्थान की इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन राजस्थान की फिलहाल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि बदली परिस्थितियां राजस्थान में बेहद चुनौती मिलने वाली है बीजेपी को, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी 10 टिकट दिए हैं, तो ऐसे में राजस्थान को लेकर बड़ा मंथन हो सकता है और अगली जो सूची है तीसरी सूची में राजस्थान का नाम आ सकता है, शामिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निजाम, तो देखिए राजस्थान को लेकर लगातार बात हो रही थी लेकिन समीकरण जो है वो यहां पर बदले हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट देखने के बाद।
15 नामों का राजस्थान में आपको बता दें कि ऐलान किया गया है, 10 अब भी सीट बाकी है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और चूरू में जिस तरीके से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसके बाद राजस्थान में और ज्यादा भी बातचीत की और मंथन की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही निजाम, अगर यहां पर देखा जाए तो 72 सीटों पर अभी ऐलान हुआ है, इसके बाद जो है क्योंकि 95 सीटों के करीब बताया जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में नाम आ सकते हैं, अभी जितनी सीटें बाकी हैं उस पर किस तरीके से बीजेपी जो है वो जो फैक्टर्स यहां पर अपना सकती है, किन्हें और कौन से फैक्टर्स को ज्यादा यहां पर बीजेपी जो है, जैसे कि बात हो रही है युवाओं को ज्यादा तरजीह यहां पर दी जा रही है, आगे की सीटों पर हम क्या देखेंगे लिस्ट में, किस तरीके से बीजेपी अपने फैक्टर्स जो है वो शामिल कर सकती है? देखिए अंकुर, जिस तरीके से कांग्रेस ओबीसी पर फोकस किए हुए हैं, जिस तरह से दो सीटें अगर कहें तो कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट निकाली है उसमें जिस तरीके से उसने दो अगर कहें तो दो सूची में ओबीसी पर जिस तरीके से फोकस किया है, आदिवासी पर फोकस किया है, SC ST पर फोकस किया है, तो अब ये दबाव बन जाता है बीजेपी पे कि वो जो लगातार ओबीसी को लेकर राहुल गांधी देखिए जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, तो अब ओबीसी फैक्टर की बात करें तो ओबीसी फैक्टर बहुत हावी रहने वाला है बीजेपी की लिस्ट में भी। और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि जो ओबीसी के जो है लगातार इसमें जो अगर दूसरी सूची जो है बीजेपी की उसमें ओबीसी के करीब देखिए 30 के करीब नाम सामने आ रहे हैं अगर इसमें बात की जाए, तो एक बड़ा फैक्टर जो है लगातार दबाव एक दूसरे की जो लिस्ट है वो भी प्रभावित कर रही है इनके, क्योंकि देखिए मनोहर लाल खट्टर जो है उनको आज जो है करनाल से टिकट दे दिया गया है जो 2 दिन पहले तक CM के रूप में थे। अगर इसमें और भी जो करीब माना जा रहा है कि इसमें 17 टिकट जो ऐसे हैं, 16 टिकट ऐसे हैं जहां पर बदले गए हैं, चेहरे बदले गए हैं और हम जुटा रहे हैं, जैसे जैसे और जानकारी हम उसमें कर रहे हैं कैरिफाई तो उसको और बढ़ाते हैं। लेकिन अंकुर देखिए कि ज्यादा नए चेहरों के ऊपर भी जो है बीजेपी फोकस किए हुए हैं। अनिल देखिए उत्तराखंड से अनिल बनूल और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड से टिकट दिया गया, गढ़वाल जो है उत्तराखंड के गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है इस टिकट दिया गया है। त्रिपुरा से देखो महारानी कृति सिंह जो है देववर्मा त्रिपुरा में, ये बड़ी बात है कि त्रिपुरा में महारानी कृति सिंह देववर्मा को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से बात करें तो महबूब नगर से DK अरुणा को टिकट दिया गया है। तो ये एक इसमें जो नाम एक आता है नलगोड़ा से सईदा रेड्डी का नाम सामने आता है, ये एक थोड़ा सा, और इसके साथ ही इसमें जो एक और नाम जो सामने खुलकर आता है अगर देखिए अहमदनगर से डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल है जो पहले से पिछली बार भी यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे हैं। ठीक है निजाम, तो जिस तरीके से ये लिस्ट हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है नए नामों पर भी बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रही है, नए चेहरे उतारते हुए भी नजर आ रही है, साथ ही महिलाओं को भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी बीजेपी कोशिश कर रही है। ठीक